स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 सीबीएसई का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यहाँ पे दो ग्रुप है, एक बैंड बाजा वालों का है और दूसरा बंदूक वालों का है। दोनों मिलिट्री के हैं, आर्मी के हैं। तो जो पहला ग्रुप है वह ग्रुप है बैंड बाजा का। इसमें बैंड बजाने वाले लोग हैं और दूसरा ग्रुप जो है वो बैंड बाजा वालों के पीछे है। ये बंदूक वालों का है, ये बंदूक चलाते हैं और ये बंदूक वाला ग्रुप बैंड बाजा ग्रुप के पीछे है। और इस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं बैंड बाजा ग्रुप में, उनकी संख्या है 32। 32 पर्सन या 32 आर्मी मैन हैं इस बैंड बाजा ग्रुप में। और जो दूसरा ग्रुप है जिसमें बंदूकधारी लोग हैं, गनमैन हैं, उसमें हैं 616। अब इन 32 लोगों को कॉलम वाइज खड़ा करना है और जितने कॉलम इसमें होंगे फर्स्ट ग्रुप में, उतने ही कॉलम हमको दूसरे ग्रुप में बनाने हैं, बंदूकधारियों के ग्रुप में बनाने हैं। मतलब जितने कॉलम फर्स्ट ग्रुप में होंगे उतने ही कॉलम सेकंड ग्रुप में होंगे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि वह कौन सा नंबर है जो 32 को डिवाइड कर दे और 616 को भी डिवाइड कर दे। कई नंबर मिलेंगे जो 32 को भी डिवाइड कर सकता है और कई नंबर्स हैं जो 616 को भी डिवाइड कर सकता है। मतलब 32 के भी ऐसे कई फैक्टर हैं जो 616 के भी फैक्टर हैं, पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है। इसलिए हम देखेंगे कि 32 को डिवाइड कर पाने वाला वह कौन सा फैक्टर है या वह कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है जो 32 को डिवाइड कर रहा हो और साथ ही साथ 616 को भी डिवाइड कर रहा हो। मतलब सबसे बड़ा वाला फैक्टर 32 का जो 616 को भी डिवाइड कर रहा हो, वही संख्या होगी कॉलम की और इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। मतलब हाईएस्ट नंबर होता है और कॉमन होता है और दिए गए नंबर्स का, दो नंबर हों या उससे अधिक नंबर हों, उनका फैक्टर होता है। तो हमें यहाँ पे 32 और 616 का फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 32 इज लेस देन 616। अब हम यहाँ पे 616 को 32 से डिवाइड करेंगे तो वन बार जाएगा। यहाँ पे 32, 11 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा और फिर यहाँ 5 में 3 सबट्रैक्ट किए तो 2 बचा। अब आ गया 6। अब इसको किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, कितने बार में डिवाइड होगा? तो 9 बार ट्राई करें, 9 बार करेंगे तो देखते हैं।
नाइन टू जा 18, वन नाइन थ्री जा 27 और वन हो जाएगा। नाइन टू जा 18, वन मिला कैरी, नाइन थ्री जा 27 और वन ऐड कर दिए तो 28। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 बचेगा, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार इक्वल टू बी एक्स प्लस आर होता है, तो ए हमारा डिविडेंट है 616, बी डिवाइडर है, डिवाइजर है जो कि 32 है और इसको हम क्यू बना ले रहे हैं, क्यू मतलब क्वेशन, क्वेशन 19 है। अब आर हमारा रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बचा है 8। जो अगला स्टेप होगा तो रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर, और जो फर्स्ट डिवीजन, जो फर्स्ट डिवाइड किया गया है उसका जो डिवाइजर था अब यहाँ पे हो जाएगा डिविडेंड। तो 8 4 जा 32, यहाँ भी 0 आया और यहाँ भी 0 आया। इसको भी यूक्लिड के एल्गोरिदम के अनुसार लिखते हैं, तो 32 इजकल टू डिवाइजर 8 मल्टीप्लाई बाई क्वेशन जो कि 4 है प्लस रिमाइंडर जो कि 0 है, तो एच सी एफ हमारा हो गया 8। एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इजकल टू 8। तो ये जो बैंड बाजों वालों का ग्रुप है इसमें हम 8 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 कॉलम यहाँ पे बन गया, 8 कॉलम यहाँ पे भी रहेगा, 4 5 6 7 8। 8 कॉलम है तो निश्चित सी बात है कि यहाँ पे 4 रो बन जाएंगे, और 616 को 8 से डिवाइड करें तो आएगा 77, तो 77 रो आएगा इसका और इसका रो आएगा 4। तो हमको रो नहीं फाइंड करना है, हमको सिर्फ कॉलम फाइंड करने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा। तो जो बैंड बाजों वालों का ग्रुप है उसमें भी 8 कॉलम, और जो बंदूक वालों का ग्रुप है उसमें भी 8 कॉलम। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।